नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रपाल कुमार दोबारा से आपका फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं एक न्यू वीडियो। इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नया दिखाऊंगा नहीं। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको कुछ समझना होता है कि सर हमें ब्लैक टी शर्ट पर पेंट करना है और टी शर्ट पेंटिंग का काम स्टार्ट करना है, ये काम हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन सी मशीन हमको चाहिए, कौन सा प्रिंटर हमको चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्ट करानी है मुझको, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या क्या लेना है, मशीन कौन सी लेनी है, प्रिंटर कौन सा लेना है, इंक कौन सी यूज करनी है, पेपर कौन सा यूज करना है, टी शर्ट की क्वालिटी क्या रहनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, देखो मशीन का बॉक्स, ये जो 5-in-1 कॉम्बो हीट प्रेस मशीन है, ये मैनुअल, ये देखिए, ये सारा कुछ है इसमें। एक इसमें आपको सबसे पहले ये कैप का अटैचमेंट मिलता है, दूसरा इसमें आपको मग का अटैचमेंट मिलेगा, ये मग का अटैचमेंट है। तीसरा इसमें मग का छोटा टी कप जो होता है उसको प्रिंट करने के लिए अटैचमेंट होता है, ये देखिए, प्लेट का, प्लेट के अंदर फोटो प्रिंट करने के लिए। और ये थर्माकोल पैकिंग इस तरह से पैकिंग में मिलेगा आपको। पांचवा जो अटैचमेंट है आपका, ये फ्लैट हिट प्रेस, ये वाला। तो दोस्तों, ये अटैचमेंट पांचवा है। मशीन आपको 5-in-1 कॉम्बो लेनी है। तो दोस्तों, ये आपको एक प्रिंटर खरीदना है, ये एप्सन का इंकजेट प्रिंटर लेना है। इसमें काफ़ी मॉडल आते हैं एप्सन के, ये मैं एक बेसिक मॉडल आपको बता रहा हूँ, सबसे स्टार्टिंग रेंज वाला मॉडल है, ये एक प्रिंटर लेना है। उसके बाद इसके लिए सब्लिमेशन इंक आती है, इंक मैं आपको दिखाया था, ये सब्लिमेशन इंक होती है, ये इंक आपको लेनी है। ये लीटर पैकिंग में इंक है, आपको ये हमारे पास 100 ml में अवेलेबल होगा, 100 ml भी अवेलेबल होगा। और दोस्तों, उसके बाद आपको ये सब्लिमेशन पेपर लेना है, जो ये वाइट कलर टी शर्ट पर प्रिंट करने के लिए यूज होता है और लाइट कलर टी शर्ट पर भी प्रिंट करने के लिए यूज होता है। सब्लिमेशन में दो क्वालिटी है अपने पास, एक ये है एसरेस और दूसरा ये है। उसके बाद आपको टी शर्ट, ये वाइट टी शर्ट पर सब्लिमेशन यूज होगा और ब्लैक टी शर्ट पर प्रिंट करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसके लिए हमारे पास ये कोरियन पेपर आता है, सब्लिमेट कोरियन विनाइल, तो ये पेपर आपको परचेज करना है और मशीन एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेनी, सिर्फ ये पेपर परचेज करना है। और मैं आपको ये ब्लैक टी शर्ट पर भी प्रिंट करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये टी शर्ट प्रिंटिंग करने के लिए ये सारा सेटअप आपको परचेज करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने जो मशीन दिखाई है, मशीन के बारे में आपको दिखा देता हूँ। 5-in-1 का सेट है, एक फ्लैट हो गया 11x15 इंच का, एक मग प्रेस हो गया आपका 11OZ वाले मग, इसमें प्रिंट होंगे, एक कैप का अटैचमेंट हो गया और एक आपका छोटे मग का अटैचमेंट हो गया और एक प्लेट का हो गया। तो दोस्तों, ये मशीन का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, मशीन किस तरह से आपको मिलेगी, कैसी सिचुएशन में मिलेगी, क्या क्या आपको खरीदना है, ये सारा चीज़ मैंने आपको दिखाया। अब इसका डेमो मैं प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये पावर केबल लेनी है, पावर केबल को इसमें पावर में लगा देना है और पीछे इसमें कुछ नहीं है। अब मैं कैमरा दिखा देता हूँ, सिर्फ ये सॉकेट है, ये सॉकेट में बस पावर को लगा देना है। इस तरह से पावर को सॉकेट में लगा दिया है और मशीन को ऑन कर देना है। मशीन आपकी इंस्टॉल हो चुकी है, इसमें कोई भी इंजीनियर का ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक्स्ट्रा किसी अलग बंदे की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के थ्रू आप मशीन को आराम से चला सकते हो। मशीन आपका ऑन हुआ, सबसे पहले क्या करना आपको मैं दिखा देता हूँ। आप ये देखिए मीटर की तरफ, सबसे पहले ये मोड बटन आपको प्रेस करना है, इसमें ये 204 दिख रहा है, इसको आप 350 कर दीजिए। ये मोड वाले अगले बटन से आप 350 कर सकते हैं, ये हमने 350 किया, इसको सेकंड टेम्परेचर होता है, ये भी हमें 350 करना है, तो ये भी हम इससे 350 कर देते हैं। इसमें जो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर होता है, तो दोनों को हम 350 करेंगे। तीसरा प्रेस करेंगे मोड, ये टाइमिंग हो गया, टाइमिंग हम 60 सेकेंड, सब्लिमेशन हमारा 60 सेकेंड में इस मशीन से प्रिंट होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ जाती है 60 सेकेंड में। तो ये हमारा टाइम सेट हो गया। अब ये मशीन का हमारा एक्चुअल टेम्परेचर है, मशीन अभी हमारी 117 है, अब ये हीट होगी। तब तक दोस्तों, ये कागज़ पर प्रिंट कैसे निकालते हैं उसका मैं एक छोटा सा रिव्यू आपको दिखा देता हूँ कंप्यूटर पर। तो दोस्तों, कंप्यूटर पर फोटोशॉप या कोरल, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, उसी सॉफ्टवेयर में आप अपने डिजाइन को डिजाइन कर लें, या जो भी डिजाइन आपको बनाना है या पर्सनल किसी की फोटो डालनी है वो इसमें कोरल में डाल लें, कोरल या फोटोशॉप।
मैंने ये डिज़ाइन किया हुआ है, एक मैं वाइट टी शर्ट पर प्रिंट करके दिखाऊंगा डिज़ाइन और एक ब्लैक टी शर्ट पर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये वाइट टी शर्ट वाला दिखा देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले पी प्रेस किया मैंने पेज के अंदर, डिज़ाइन मेरा सेट हो गया। उसके बाद कंट्रोल पी किया, कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ पर मुझे प्रिंटर सेलेक्ट करना है, मेरे पास अभी डेमो के लिए L805 प्रिंटर है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। प्रीफ्रेंस में जाना है, यहाँ पर पेपर साइज में A4 ले लेता हूँ, A4 पेपर पे मैं प्रिंट निकालूंगा। और पॉटेड ये एप्सन मैट यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, और दूसरा स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड रहेगा, और ये ओके कर देंगे। उसके बाद ये करंट पेज पर जाएंगे और यहाँ प्रिंट व्यू कर देंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। इसको हमें जो ये आपको पढ़ने में टेक्स्ट लिखा हुआ है ब्लेम बोन करके, इसे हमें मिरर करना है, मिरर करेंगे तब टी शर्ट पर हमें सीधा दिखेगा। यहाँ से एरर दिख रहा है ई वाला, ये मिरर का, यहाँ से ई कर देंगे, ये मिरर हो गया आपका डिज़ाइन। और ये प्रिंटर पर प्रिंट कमांड दे देंगे, ये कमांड आपका चालू हो गया, प्रिंटर से पेज निकलेगा अभी। दोस्तों ये देखिए प्रिंट निकल रहा है, काफ़ी फास्ट प्रिंट निकल रहा है। तो दोस्तों आपको ये दो आइटम और लेने हैं, सॉरी एक ही आइटम लेना है, टेफ्लॉन शीट आपको ऐड और करना है इस सेटअप में। ये आपका टी शर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होगा, जिसमें टी शर्ट का आपका प्रिंटिंग करने में कोई भी वेस्ट नहीं होगा, गंदा नहीं हो सकता, उसके लिए मशीन का भी आपका लाइफ बढ़ाएगा ये टेफ्लॉन। इसके लिए क्या करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ इस टेफ्लॉन को ऐसे टी शर्ट पर नीचे रख बेस पर रख लीजिए, उसके बाद आप इसके ऊपर टी शर्ट लगाइए। तो दोस्तों ये टी शर्ट मैंने ओपन किया है, बच्चों का टी शर्ट है, टी शर्ट्स का भी हमारे पास एक रेंज होता है अच्छा खासा। तो ये किड्स टी शर्ट है, स्पोर्ट्स टी शर्ट है, काफ़ी अच्छा टी शर्ट है, प्रिंटिंग फोटो क्वालिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो ये मैंने सबसे पहले ये टेफ्लॉन शीट लगाया, टेफ्लॉन शीट लगाने के बाद ये टी शर्ट को इस मशीन के ऊपर मुझे रखना है, ये मैंने मशीन के ऊपर रख लिया। डिजाइन दोस्तों ये हम ऐसे देखेंगे, उल्टा तो पीछे से देखेंगे तो हमें डिजाइन सीधा नजर आएगा, इस तरह से हमको ये डिजाइन रखना है टी शर्ट पर। तो दोस्तों ये हमने रख लिया, उसके बाद हमें टेफ्लॉन शीट लगाना ऊपर से, इस तरह से हम टेफ्लॉन शीट लगाएंगे जैसे कि हमारी टी शर्ट बिल्कुल गंदा भी नहीं हो और प्रिंट भी हो जाए। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे दबा देना है, ये इसे दबा देना है और ये लास्ट वाला बटन दबा देना है। टाइमिंग का काउंटडाउन चालू हो गया, एक मिनट से जब मशीन एज 60 से 0 तक आएगा तो हमारा टी शर्ट प्रिंट हो जाएगा। टाइमिंग हमारा कंप्लीट होने वाला है 4 3 2 1, टाइम हमारा कंप्लीट हो गया, मशीन ने वीप किया, हमारी टी शर्ट प्रिंट होगी। वापस से हमें यही बटन क्लिक कर देना है और ये मशीन को ऐसे उठा देना है, ये पेपर हमको हटाना है, ये देखिए प्रिंटिंग हमारी हो चुकी है, काफ़ी शानदार डिज़ाइन हमारा प्रिंट होके आया है। ठीक है दोस्तों, पेपर प्रिंट करके दिखाएंगे, अभी दिखाया मैंने आपको वाइट कलर टी शर्ट पर प्रिंट करके। उसके लिए कुछ नहीं करना, ये फैब्रिक मिनाइल में से जो रोल जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में उसमें से एक टुकड़ा काटा है A4 का, और ये बायोवास कॉटन टी शर्ट है जो जनरली आपको कहीं से भी मार्केट से मिल सकती है और अपने पास भी अवेलेबल होती है, अपना भी ये मैन्युफैक्चरिंग है। क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में टी शर्ट का, अगर आप कुछ देख सकते हैं तो ये देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है ये। अब ये टी शर्ट मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा, ये हम ब्लैक टी शर्ट पर प्रिंट करना है, ये सब्लिमेशन पेपर से ही प्रिंट निकला हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो विनाइल का टुकड़ा हमने जो कटिंग किया है सब्लिमेट विनाइल, इसको रखेंगे मशीन के अंदर, उसके बाद इस पेपर को लगाएंगे हम, ये पेपर हमें इसके ऊपर लगाना है, उसके बाद हम इस पर टेफ्लॉन शीट लगाएंगे, उसके बाद ये हम टेफ्लॉन शीट लगाएंगे। टेफ्लॉन शीट लगाने के बाद हमको क्या करना है, पोजीशन पे लेके आना है और ये प्रेस कर देना है, प्रेस करने के बाद यही लास्ट वाला बटन हमको क्लिक कर देना है। टाइमिंग हमारी चालू हो गई, थोड़ा वेट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टाइमिंग कंप्लीट हो गया है, वापस मशीन बीप कर ली, ये हमने किया, ये देखिए, और ये हमने प्रिंटिंग किया है, क्वालिटी आप देख सकते हो। ये हम ब्लैक टी शर्ट पर प्रिंट करेंगे, ये सब्लिमेट फैब्रिक विनाइल पर हमने प्रिंट किया है, क्वालिटी आपके सामने है। इसे थोड़ा हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद इसका कैची से सीजर से हम कटिंग करके टी शर्ट पर प्रिंट करके दिखाएंगे। दोस्तों ये हमें सीजर से कटिंग कर लेना है, इस तरह से डिज़ाइन अपना जो डिज़ाइन है वो कट करना हमको सिर्फ।
हमने सबलिमेट फैब्रिक वेल पर पेंट कर दिया है, इधर हमने प्रिंट किया है, और उसके बाद हमें ब्लैक टी शर्ट प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम मशीन में टी शर्ट लगा देते हैं। ये हमने टी शर्ट को लगा दिया। इसको एक बार हम नॉर्मली प्रेस कर देते हैं जिससे कि इसकी रिंकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये हमने प्रेस कर दिया, इसका रिंकल्स बिल्कुल ख़त्म हो गया, स्मूथ हो गया। और उसके बाद हमको क्या करना है, इस विनाइल में से इस प्रिंटिंग वाले एरिया को पील करना है। इस तरह से पील होगा। हमने स्टिकर को इसको निकाल लिया है, उससे विनाइल की पैट फिल्म से निकाल लिया है, और हमको इस तरह से स्टिकर को इसके ऊपर रखना है टी शर्ट के ऊपर। दोस्तों ये हमने इसके ऊपर सेट कर दिया है। इसके ऊपर नॉर्मल पेपर हम लगाएंगे, फोटोकॉपी पेपर होता है, और टेफ्लॉन शीट रखेंगे वापस से। और सिर्फ हमें ये 10 सेकंड के लिए करना है दोस्तों, मैं इसमें नॉर्मली 10 सेकंड के लिए ही करना है। ये 60 से 50 के लिए आ गया, 10 सेकंड इसका कंप्लीट हो गया है, 10 सेकंड तो ये हम इसे निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों क्वालिटी, आप प्रिंटिंग क्वालिटी आप देखिए कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है। ब्लैक टी शर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई ज़्यादा मशीन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी सेटअप से आपको ब्लैक टी शर्ट पर प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा हमारे पास से, पूरा सेटअप आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको हमारे पास से परचेज करनी पड़ेंगी। ये बिजनेस आपको स्टार्ट करना है टी शर्ट प्रिंटिंग का, तो ब्लैक कलर की टी शर्ट भी आप प्रिंट कर सकते हो, वाइट कलर भी कर सकते हो, एनी कलर एनी फैब्रिक आप प्रिंटिंग कर सकते हो। ये 5-in-1 कॉम्बो पूरा पैक है, जिसमें आपको मैंने पहले भी दिखाया था, दोबारा से दिखा देता हूँ। ये 2 पेपर के पैकेट हैं, ये सबली फैब्रिक विनाइल रोल है, ये सबलीमेशन इंक है, ये सबलीमेशन प्रिंटर है, और ये हमने जो प्रिंटिंग का किया हुआ है आउटपुट है। तो आप ये क्वालिटी भी दोनों देख लीजिए, वाइट कलर ब्लैक कलर टी शर्ट पर किया हुआ है हमने। उम्मीद कि आप हमारी वीडियो से बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे, जिससे कि आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा, जिससे कि टी शर्ट प्रिंटिंग के बारे में आपको पूछना था कि सर टी शर्ट प्रिंटिंग का काम हमको करना है तो कैसे करेंगे। तो होपफुली आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में डालें, स्क्रीन पर दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, उस पर हम वो डाउट भी आपका क्लियर करेंगे। और ये सेटअप आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर ही हमें मैसेज करें, अपना नाम शहर का नाम, तो ये सारी जानकारी हम आपको शेयर करेंगे ऑन व्हाट्सएप। तो ये ऑनलाइन आप हमसे ये सेटअप मंगा सकते हो कंपनी के अकाउंट में पेमेंट पे करके, उसके बाद ये आपको प्रोडक्ट बाई कोरियर, ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, डिलीवरी कोरियर, एनी कोरियर सर्विस, ये आपका प्रोडक्ट आपके डोर स्टॉप डिलीवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू, धन्यवाद।